वेलकम दोस्तों, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। और एक्सपेरिमेंट में आज हम कुछ एलईडी की मदद से बनाने वाले हैं। ये हमारी एलईडी है और ये फॉर्म है। हम इस फॉर्म की मदद से कुछ आपको बनाकर बताएंगे और जो कि एक मैजिक की तरह है। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मतलब फॉर्म है और एलईडीज हैं, और ये हमारा पावर सप्लाई है जिसकी मदद से हम एलईडी को जलाएंगे। और कुछ हमारे पास कटर वगैरह है और एक टेप वगैरह है जो कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट में यूज होगा। तो हम सबसे पहले इस फॉर्म से फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर्म रहेगा, जिसकी मदद से हम इस फॉर्म को काट कर कुछ पीस काट लेंगे। और इन पीस को हमें साइड से यहाँ से लगाना है। तो आप देख रहे हैं, एक ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, दूसरा यहाँ लगाना है। ये काटने के बाद इसमें हम टेप की मदद से इसको चिपका देंगे, क्योंकि हम इसको बॉटल भी यूज करने वाले हैं इसके लास्ट में। तो हम इसमें इसको चिपकाएंगे जिससे पानी इसमें लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगा तो फिर पानी गिर जाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। सही, तो ये चिपका दिया, देख रहे हैं आप इसे भी यहाँ चिपक गया। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी दोनों तरफ हम लगाएंगे, इस पर भी हम लगाएंगे। एक और काट लेते हैं इसमें। और एक यहाँ निकाल दिया, ओके। एक और काटेंगे, ओके। ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें टेप चिपकाएंगे। प्रॉपर टेपिंग करना जिससे पानी लीकेज ना हो। इस तरफ भी हम पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये हमारा फैन रेडी हो चुका है। वायर चाहिए है, इस वायर की मदद से हम कुछ एलईडी को एक वायर से लगाएंगे।
तो अब हम इसमें सारे एलईडी को फंसा लेंगे। ये देखिए मैं जिस तरह से एलईडी को फंसा रहा हूँ, ये मैंने वायर काटे हुए हैं और इनको मैं सारे वायर्स को फंसाता जा रहा हूँ। ये तीन मैंने यहाँ पर फंसा लिए, उसी वायर से फिर आपको तो बाकी के एलईडी कनेक्ट करना है। आगे लगकर इसको ऐसे इसमें कनेक्ट करना है। बाकी और एलईडी है मेरे पास, इसको भी है। तो अभी हम 6 एलईडी ले रहे हैं, आगे और भी एलईडी ले सकते हैं हम। तो ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर चुका हूँ। ओके, तो अब हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसको हमें साइड से एक करके फंसाना है। तो हम इसको यहाँ के बाद से इसको एक छोड़कर एक फंसाएँगे क्योंकि एक यहाँ फंसेगा। तो इस तरफ से हम यहाँ फंसाएँगे। ओके, और दूसरा जो है वो हम यहाँ फंसाएँगे इसका, ये मैंने फंसा दिया। ओके, ये देखिए आप, ये फंस गया, इसको ऊपर की तरफ रहने देना। ये देखिए दूसरा एलईडी हम इसको डिस्टेंस देकर यहाँ पर लगाएंगे, ये लग गया। ओके, इसके बाद एक और एलईडी है, तो इसको हम यहाँ लग देंगे। देखो इस तरह से इसको लगाना है कि जो पानी है वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम अब इसका पूरा फ्लो रेडी है। तो पानी पहले यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फिर यहाँ आएगा और फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेगा। तो इससे पहले अब हमें काटना है पानी का फ्लो। यहाँ से हम इसको काटेंगे और इसको अलग कर देंगे। ये मैंने इसको अलग कर दिया। ओके, फ्लो इस तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे काटूंगा। ओके, लास्ट यहाँ पे काटूंगा। देख रहे हैं इस तरीके से आपका ये पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से हमने लगाने के बाद, और एक और हम लगाएंगे, तो हमारा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम इसको पावर से कनेक्शन करेंगे। ये हमारी एसी पावर सप्लाई है, ध्यान रखना एसी पावर सप्लाई है, डीसी नहीं है, एसी में नहीं जलेंगे। तो हम एक वायर एसी से कनेक्ट कर देंगे। एसी ये है आपका 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट एसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। और ये वाला वायर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये एसी का कनेक्शन हो चुका है। दूसरा मैं इसमें डिप करूँगा, इसकी मदद से इसको मैं होल्ड कर दूंगा। ये मैंने होल्ड कर दिया है और तो इसको मैं डिप कर इसमें टेप चिपका देंगे जिससे कि ये निकले ना। तो इसको मैंने टेप से चिपका दिया। ओके, तो अब हमारा सेटअप रेडी हो चुका है।
अब हमें इसके लिए पानी चाहिए है, ये पानी है, तो इसको पानी को मैं धीरे धीरे से इसमें पानी डालूँगा और अब देखिएगा कि क्या होता है। ये मैंने पानी डाला, ये देखिए एलईडी जल गई, यहाँ की एलईडी जल चुकी है। अब मैं आगे और पानी डालूँगा धीरे धीरे, ये देखिए और तेज जल गई है। इसके बाद अब यहाँ आएगा पानी धीरे धीरे, आप देख रहे हैं यहाँ आ गया पानी। अभी पानी का लेवल हम बढ़ाएंगे, देखिए पानी का लेवल बढ़ाया और ये वाली एलईडी भी जल चुकी है हमारी, दो एलईडी जल चुकी हैं। और हम अब पानी का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम पानी का लेवल बढ़ाते जाते हैं। ये देखिए पानी का लेवल बढ़ाया हमने, अब ये हमारा आगे जा रहा है। तो हमारा ये आगे पानी जा रहा है, आगे फ्लो में पानी जा रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल में बढ़ाता जाऊंगा और आप देखेंगे कि एक लेवल के बाद सब जगह लेवल बढ़ने के बाद अब नहीं जला हुआ है, तो हम तो यहाँ का लेवल नहीं बढ़ा हुआ है, तो हम आगे ये देखिए यहाँ पे भी एलईडी जल चुका है हमारा, तो अब हम आगे और बढ़ाएंगे लेवल। ये देखेंगे आप इसका लेवल और बढ़ा दिया मैंने, अभी देखिए आप ये एलईडी भी जल चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक डालेंगे जब आप देखेंगे इसकी इंटेंसिटी तेज होगी। ये देखिए इसमें मैंने नमक डाला, तो आप देखेंगे कि ये एलईडी देख रहे हैं आप, इस सारे के सारे एलईडी धीरे धीरे तेज होते जाएंगे। तो आप ये देखिए इसमें मैंने नमक को घोल दिया, तो ये सारे के सारे एलईडी अब तेज जलने लगे, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी तेज हो गए। और लास्ट में भी देखोगे तो भी ये पानी डालने पर तेज हो जाएंगे। ये देखिए ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे एलईडी अब तेज हो चुके हैं। ये देखिए आप ये सारे एलईडी अब नमक डालने पर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ये नमक जैसे जैसे घुलता जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी सारे एलईडी की तेज होती जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि नमक के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है और नमक डालने पर वाटर में कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए कुछ समुद्री इलाके या नदियों में करंट जो होती है ज़्यादा फ्लो होती है उन पानी में। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो रहेगा एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ रहेंगे। जब तक की वेट करिए, धन्यवाद, जय हिंद।